मॉम देखिए ना, उस किडनैपर का अब तक फोन भी नहीं है। मैं मही के बिना कैसे रहूंगा मॉम? आपको याद है ना, जाने से पहले मही ने क्या कहा था, इस जिंदगी रहेगी तो फिर मिलेंगे, अब कहाँ मिलेंगे। सागर कुछ नहीं होगा, राजीव संभालो इसे। सागर सागर तू हिम्मत मत हार, तू मही को जानता है ना, वो कुछ भी बोलती है। कन्हैया लाल सागर के लिए पानी लेके आना जरा। नहीं नहीं सागर बेटा, तो इतना नेगेटिव क्यों सोच रहा है? पर मॉम हम मही को वापस कैसे लाएंगे? वो किडनैपर ने कहा था ना, धमकी दी थी कि पुलिस को मत बताना, तो मॉम आप पुलिस को मत बताना। हाँ तो हम खुफिया पुलिस का सहारा लेंगे। हाँ? खुफिया? चल ठीक है, खुफिया पुलिस नहीं तो प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कर लेंगे। हाँ? नहीं मॉम, कोई जासूस वासूस नहीं। सागर मुझ पर विश्वास है ना, मैं मही को कुछ नहीं होने दूँ। चुप हो जा। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। एक मिनट, ये सब हो गया, अभी आगे बोलो ना, क्या चाहिए आपको? हमें चाहिए दिन का चैन और रात की नींद, यानी पैसा पैसा पैसा, वो भी 5 करोड़। 5 करोड़? मतलब 5 करोड़ अगर हम आपको देंगे तो ही आप मही को छोड़ोगे? हाँ बिल्कुल ठीक समझे आप। मॉम दे देते हैं, मॉम दे देते। देखिए पर इतने पैसे नहीं है हमारे पास। लगता है आपको अपनी बहू से प्यार नहीं है। वो तो नहीं है, मेरा मतलब है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, आप थोड़ा कम करिए ना। रुकिए, मैं मेरे आदमियों से सलाह मशविरा करता हूँ। मही तो कहीं दिख ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ छुपा दी है। तीन करोड़। हाँ देखिए 2 करोड़ कम कर दिया। हाँ 3 करोड़ हम दे देंगे, छोड़ दो मही को। देखिए मिस्टर देवांग, आप है ना करोड़ों की बात ही मत करिए, सीधे लाख पर आ जाइए। और मेरे पास 50 लाख रुपए हैं, और वो भी चेक से दूंगी, चाहिए तो फोन करना। 3 करोड़ नहीं, सीधे 50 लाख। मही तेरी कीमत सिर्फ 50 लाख रुपए। ओ पापा। मैडम अब क्या भाजी माल कितनी तला चल लियो, दे दो ना, तो मांगते तेरे तो मेरा पगल काट लो। देखो सागर, मैंने बार्गेनिंग इसलिए की ताकि हमें कुछ सोचने का मौका मिले। मोहम लेकिन 3 करोड़ तो हम दे सकते हैं ना, फिर हम क्यों रिस्क ले रहे हैं? सागर पैसों का सवाल ही नहीं है, मही को छुड़ाने के लिए मैं 3 करोड़ क्या 10 करोड़ देने को तैयार हूँ। देखो मही बहन, मुझे बड़ा डर लग रहा है, आपकी सास कितनी बड़ी लीडर है, मुझे डर है कहीं चालाकी से मुझे पुलिस में न पकड़ा दे, मेरा तो एक्टिंग का करियर ही बर्बाद हो जाएगा। ओ, ओ, अब क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं हूँ ना, लो फाफड़ा खाओ फाफड़ा खाओ। सागर राजीव आप दोनों इंस्पेक्टर राठौड़ के पास जाओ। हाँ और उसे सारी डिटेल बताओ। देखो हम इसे ये सब बातें फोन पे नहीं बता सकते, क्या पता वो किडनैपर हमारा फोन रिकॉर्ड कर रहा हो। मॉम ये विश्वासघात है, आपने मुझसे कहा था कि हम पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आपके वर्ड्स थे। सागर मुझ पर विश्वास है ना, मैं मही को कुछ नहीं होने दूंगी, जाओ तुम दोनों। मैं क्या बोलता हूँ मही बहन, आपके घर वालों को हम बता देना चाहिए ना कि आप अप्रैल फूल मना रहे हैं। अरे कितने टेंशन में थे आपको देख। हाँ नहीं सागर जी के तो बोलने के भी होश नहीं थे। ठीक है लगाओ फोन लगाओ। हाँ चलो चल चल सुरगर जो मैं हेलो, हम ये जानना चाहते हैं कि आपका हृदय परिवर्तन हुआ कि नहीं, आपने अपनी बहुमूल्य बहू का बहुत कम भाव लगाया। देखिए मिस्टर देवांग, मेरे पास सच में इतने रुपए नहीं है। हाँ भविष्य में कभी करोड़ों कमाऊंगी ना तो मैं आपको थोड़े थोड़े करके दे दूंगी। हाँ फिलहाल तो आप 50 लाख रुपए लेकर मेरी बहू को छोड़ दीजिए ना। देवांग 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 मेरा दोस्त मत तो लगला डाली डाली भूत बले बले बाल इतने बले बले मत एक्टिंग किया ना। देवांग हाँ देवांग मिले बाद में लेते हैं। अच्छा वो एक्टर है? हाँ वो तो मही भाभी को भी जानता है। देवांग मही को जानता है? हाँ उन्होंने मिलाया था अगल भाई थे, कहा था कि वो एडवर्टाइजिंग का कुछ काम करते तो आपको कुछ ना कुछ काम दिला देंगे। ठीक है अब जाओ हाँ? कपड़े बाद में जाओ अभी मत क्या ना वीक। हाँ मस्त किया अभी जाओ हाँ? जाओ।
फोन आया, चुप चालू कर। हेलो हेलो, मैं अंसुया मेहता बोल रही हूँ। देखिए, आप आपका एड्रेस मुझे भेजिए, मैं आपको मेरी बहू को छुड़ाने के लिए 50 लाख नहीं 10 करोड़ देने को तैयार हूँ। आप इतना काम क्यों रहे हैं? अच्छा, जरा मही से बात करवाएंगे प्लीज। नहीं 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 मही, मैं हूँ ना, तू जरा भी चिंता मत कर। हाँ, मैं तुझे छुड़वा दूंगी। हाँ बेटा, मैं भी तुझे बहुत मिस करती हूँ। मिल गया, एड्रेस मिल गया। अहमदाबाद रेलवे कॉलोनी, बिल्डिंग नंबर 10, रूम नंबर 25, यही है ना? यही है। ठीक है, तो आपके 10 करोड़ आर्मी लेकर पहुंच जाएगी आपके पास। आर्मी? वो क्या है ना, पुलिस से मैंने बात की ना, तो पुलिस ने कहा कि आपकी बहू को छुड़ाना है तो पुलिस नहीं आर्मी की जरूरत पड़ेगी। भगवान, ये देवांग भाई भी ना मस्त अप्रैल फुल का प्लान खोलने वाली थी कि सब लोग भाग गए, लेकिन मही अब घर तो जाना ही पड़ेगा ना तुझे। नहीं यार, अगर घर पे सबने पूछ लिया कि गुंडों ने तुझे कैसे छोड़ दिया तो फिर क्या कहूंगी? अब तू आ घर पर मही, तेरा अप्रैल फुल तो मैं ऐसे निकालती हूँ।